देखिए मैंने मेरे सारे दोस्तों को, मेरे फिल्म इंडस्ट्री दोस्तों को, मेरे ख़ास दोस्तों को, मेरे पर्सनल दोस्तों को, फैमिली सबको इनवाइट किया हूँ और मुझे लगता है कि गुडविल होने के कारण बहुत लोग ने एक्सेप्ट किया, तो मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ क्योंकि कहते हैं कि बाकी सब खरीदा जा सकता है, गुडविल यू हैव टू अर्न। हाई कॉन्सेप्ट तो अब तक अगर नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट यही है कि कॉमिक थ्रिलर है, आम इंसान के बारे में है जो जिसकी बैंक अकाउंट में 100 करोड़ आ जाते हैं, उसको पता नहीं कहाँ से आते हैं, किसने दिए हैं, लेकिन कहते हैं कि आम इंसान के पास अपनी इज्जत होती है और अगर उनकी इज्जत छीनने की कोशिश करते हो तो फिर वो जाके कहता है शराफत गई तेल लेने। तो मुझे लगता है हर आम इंसान के अंदर एक सुपरमैन होता है, हर कॉमन मैन के अंदर एक सुपरमैन होता है और उनके साथ नाइंसाफ़ी मत करो जहाँ वो सुपरमैन जाग जाए और सबका सर्वनाश करे। देखिए ये एनीवे तमाशा, आई थिंक आई सी यू गाइस लेटर। तुम लोग नहीं यार, ये देखो मैं तो बोर्डिंग स्कूल बंदा हूँ यार, मैं देहरादून में पढ़ता था तो अक्सर बहुत सारे स्लैंग्स इर्द गिर्द से, मतलब पूरी इंडिया से जानते थे हम। और हाँ, शराफत गई तेल लेने कभी कभार सुना था लेकिन ऐसे कभी सोचा नहीं था कि पिक्चर करूँगा इस टाइटल पे, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग टाइटल है और मैं बड़ा खुश हूँ पिक्चर से। तो चलो भगवान की कृपा से देखते क्या होता है। और भाई वही तो कर रहा हूँ यार, ट्राई कोशिश कर रहा हूँ, जब किरदार निभाते हो तो एक्टिंग करने की कोशिश करना चाहिए बस। लंबे समय के बाद आप स्क्रीन पर आए हो, तो आपके फैंस लोग का व्यू जानने के लिए कोई एक्साइटमेंट? हाँ यार, सब लोग बहुत खुश है इस बात से कि मैं आ रहा हूँ वापस। और ऑफकोर्स मेरे लिए थोड़ा सा एंग्जाइटी होता है, थोड़ा सा नर्वसनेस है, थोड़ा सा खुशियाँ हैं कि यार यू नो फुल फोर्स में वापस आया, अभी छोड़ो मत जायद और तुम्हें पता नहीं कि यू नो हम कितने मिस किए, तो ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी सब ऑडियंस के हाथ में, हम उन्हीं के हाथ पे छोड़ते हैं। शायद अगर बात करें तो कॉमन मैन का अगर रोल प्ले कर रहे हैं तो इसके लिए आपने जरूर अपने आप में कुछ बदलाव लाएंगे, हैबिटेट को ज्यादा बहुत उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैं एक्चुअली 10-15 दिन पहले मैं दिल्ली गया था और चांदनी चौक से लेके साकेत तक मैं अपने डायरेक्टर के साथ घूमा फिरा और बहुत सारे ऐसे जगह जाके देखा जहाँ पे यू नो कॉमन मैन अपना नाश्ता करता है, आके बैठता है, जिस तरह से उनका एक एक्टर होता है ना जो बहुत ऑब्जर्व करता है और हर एक ऑब्जर्वेशन से वो अपने कैरेक्टर में कुछ ना कुछ डालते रहता है, जैसे कि कपड़े पहनने का ढंग, एक यू नो एक वरीसम चेहरा होता है उसके ऊपर। मैं मेट्रो भी गया कि लोग हमेशा उनके चेहरे पे चिंता होती है और बहुत ही देखो माइन्यूट डिटेल्स हैं जहाँ के अगर मैं कहूँ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यू नो सब देखने के बाद मैंने आजमाया। लेकिन मैं एक चीज़ भी बताऊँ, मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली एक कैरेक्टर से, सुपरमैन का कैरेक्टर क्लार्क केंट, जो बहुत ही मतलब दबा हुआ है, बहुत ही क्लमजी किस्म का कैरेक्टर है, तो बहुत इंस्पिरेशन लिया क्योंकि उससे बहुत मिलती जुलती थी ये जो जिस तरह से लिखा था, तो ऐसे मैंने कर करके थोड़ा सा लेयर्स बना के किया। आप चलाइए ना हमारे लिए प्लीज। देखो यार, हमारा काम यही है कि हम पूरी मेहनत और लगन से काम करें, 100% दे दें और ऑफकोर्स जब पिक्चर अच्छी करती है तो सबका फ़ायदा होता है, सब लोग खुश हो जाते हैं, इच्छा तो वही है, लेकिन आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू से टू यू कि यार हमारी पिक्चर हिट होने वाली है। मुझे अंदर से ये यकीन है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनी है और शायद हिट भी हो सकती है, लेकिन अब कहना बड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं यही कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं
बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं इस पिक्चर को क्योंकि बहुत ही अनोखा किस्म का कहानी है। और हाँ यार, मैं भी एंटिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी प्राउड हूँ इस प्रोडक्ट से। और मुझे एक्टिंग ये जो एक चैलेंज था इस कैरेक्टर को निभाने, मुझे एक्टिंग से फिर से प्यार होने लगा। तो देखते हैं अगर ऑडियंस अपनाती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपनाएगी। Next is Desi Magic and I've just signed two films and don't ask me which ones.